प्रियंका चोपड़ा ने अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रखी अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की स्क्रीनिंग। लेकिन इस स्क्रीनिंग की सारी लाइमलाइट रही दो कपल्स पर, पहले वरुण और नताशा, दूसरे शाहिद कपूर के भाई ईशान और श्रीदेवी की बेटी जानवी। दरअसल बेवॉच की स्क्रीनिंग पर जहां वरुण अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ आए, वहीं ईशान जानवी के साथ पहुंचे। पिछले कुछ समय से शाहिद कपूर के भाई ईशान और श्रीदेवी की बेटी जानवी के लिंकअप की न्यूज आ रही है। हाँ, वैसे खबर तो ये भी आई थी कि शाहिद कपूर नहीं चाहते कि उनके भाई ईशान अपनी पहली फिल्म की रिलीज होने से पहले अपने रिलेशनशिप की वजह से खबरों में आए, लेकिन लगता है कि शाहिद के चाहने या ना चाहने का फिलहाल कोई असर ईशान पर नहीं पड़ रहा है। हालांकि जब इस स्क्रीनिंग पर ईशान और जानवी पहुंचे, तो उन्हें मिल रही मीडिया अटेंशन से वो खुश नहीं थे, बल्कि थोड़े अनकंफर्टेबल थे और जल्द से जल्द स्क्रीनिंग से निकलना चाहते थे। वैसे देखा जाए तो डे बाय डे ईशान और जानवी के लिंकअप की खबरें तेज हो रही हैं। ऐसे में हो सकता है कि बॉलीवुड डेब्यू से पहले लिंकअप की न्यूज इनके घर वालों को कुछ खास पसंद न आए। खैर, स्क्रीनिंग पर भले ही सारी लाइमलाइट इस न्यू कपल पर रही, लेकिन इस स्क्रीनिंग पर सोनाक्षी सिन्हा भी मौजूद थी, जो सीधे एयरपोर्ट से प्रियंका की मूवी के लिए आई थी। ऑल इन ऑल प्रियंका की बेवॉच फिल्म की स्क्रीनिंग पर फिल्म से ज्यादा चर्चा हुई ईशान और जानवी की। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।